हम यह कह सकते हैं कि प्रभु येसु की क्रूस यात्रा अंधकार पर ज्योति की, अज्ञानता पर ज्ञान की, अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की एवं आलस्य पर जिम्मेदारी की विजय यात्रा है। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पुण्य शुक्रवार है। किसी गांव में लोग एक जलते हुए पेड़ के नीचे खड़े होकर डालियों की ओर दृष्टि लगा रहे थे। एक पक्षी एक घोंसले में चूजे पक्षियों की ओर व्याकुलता के साथ उड़ रहा है। मादा पक्षी अपने छोटे चूजों बच्चों को बचाना चाहती है, किंतु ऐसा करने में वह असमर्थ है। जब आग घोंसले की ओर पहुंची, लोग सांस दबाए देखने लगे। कोई भी पेड़ पर नहीं चढ़ सका ताकि उसकी मदद की जाए। अब वह एक ही उड़ान से लपक कर उन्हें बचाने की सिवाय चूजों को अपने डेनों से पंखों से सावधानी पूर्वक छुपा रखती है। आग की लपेटों ने उन्हें जलाकर खाक कर दिया। उसने अपने चूजों के प्रति प्यार दिखाया अपनी जान देकर। यदि इस तरह छोटी जीव का इतना बड़ा प्यार है, तो स्वर्गीय पिता अपनी संतान के प्रति, सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि पर अपूर्व प्रेम बरसाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं मानव रूप में पापी और कमजोर मानव को मुक्ति के लिए अपने प्राण का बलिदान दे दिया, ताकि हम ईश्वर की संतान होकर यीशु के प्रभुत्व के भागीदारी हो जाएं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारी मुक्ति उनकी मृत्यु पर आधारित है। प्यारे भाइयों बहनों, आज की पूजन विधि का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रभु येसु का दुग्भोग का स्मरण है। प्रभु के इस सफर में हम कई अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं। कई शत्रु है तो कोई मित्र, कोई पारिवारिक सदस्य है तो कोई अजनबी व्यक्ति। कई मुलाकातें संवेदनादायक होती है तो कई दुखदायक। ऐसी ही मुलाकातें, सबसे पहली मुलाकात है प्रभु येसु और यूदस इस्करियोती की। प्रभु येसु ज्योति का प्रतीक है, जबकि यूदस अंधकार का। ये दो व्यक्तियों की मुलाकात नहीं, बल्कि दो विपरीत शक्तियों का संघर्ष है। थोड़े समय के लिए यूदस लोभ के कारण अपने काम में सफलता होते दिखाई देते हैं, लेकिन लंबे समय तक ज्योति यानी येसु की ही विजयी होती है। जैसे ज्योति आते ही अंधकार दूर हो जाता है। इस यात्रा की दूसरी मुलाकात पेत्रुस और प्रभु येसु के बीच होती है। पेत्रुस प्रभु येसु को पहचानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि मैं इनका शिष्य नहीं हूँ। पेत्रुस प्रभु येसु को बार बार अपने पिता ईश्वर के विरुद्ध जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका उदाहरण हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 8 में पाते हैं। पेत्रुस प्रभु येसु को अपने पैर धोने से मना करते हैं। आगे अध्याय 18 पद संख्या 11 में पेत्रुस तलवार का उपयोग करके प्रभु येसु को अपने पिता द्वारा दिए गए प्याले को पीने से मना करते हैं। इस यात्रा में प्रभु येसु और पिलातुस की मुलाकात भी बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह मिलन दो राजाओं के मध्य है, एक सांसारिक तथा दूसरा दैविक। पिलातुस प्रभु येसु से सत्य के बारे में पूछते हैं, जबकि उसे यथार्थ में न्याय देने या दिलाने के पूर्व सत्य से परिचित हो जाना चाहिए था। प्रभु येसु खुद परम सत्य है, लेकिन पिलातुस उसे पहचानने नहीं सके। वह सत्य का पक्ष लेने की अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो डालते हैं। इसी श्रृंखला में
चौथा मिलन प्रभु यीशु और भीड़ के बीच होती है। भीड़ सांसारिक दबाव के कारण टूट जाता है, यीशु को क्रूस देने के लिए चिल्लाती है, खून की मांग करती है, यानी सत्य को खो बैठती है। प्यारे भाइयों बहनों, एक नज़र हमारे जीवन की ओर डालते हैं। हम अपने जीवन में ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अपनाने में अधिक रुचि रखते हैं और ज्योति को खो बैठते हैं। हम ज्योति कुंज तक पहुंचने के लिए उतना ही अथक परिश्रम करना चाहिए जितना प्रयत्न लक्ष्य खो बैठे एक खिलाड़ी अपने लक्ष्य पाने के लिए करता है। जीवन रूपी इस यात्रा में हम भी भीड़ में खो जाते हैं, हमारा अपना अस्तित्व खो बैठते हैं, इसलिए भीड़ का साथ देते हैं एवं भीड़ के दबाव में आ जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, पिलातुस रूपी पात्र हमको यह शिक्षा देता है कि हम न सत्य को जानते हैं और न सत्य जानने की कोशिश करते हैं। वह एक शब्द मात्र से एक जीवन को बचा सकता था, लेकिन उसने उस अवसर का इस्तेमाल भीड़ को खुश करने के लिए किया और कहा, आप लोग इसे ले जाइए और संहिता के अनुसार न्याय कीजिए। पिलातुस के सामने सत्य जानने का अवसर प्राप्त होने पर भी उसने उसे गवा दिया, उसकी अवहेलना की और उसे नहीं पहचाना। हमने सत्य की अपेक्षा असत्य को अपनाया है, सत्य का शख्स देने में जीवन खोना पड़ता है। निर्दोष लोगों को दंडज्ञा मिलती है, मन मर्यादा एवं पद खोने के भय के कारण हम सत्य को जानते हुए भी नहीं जानने का बहाना करते हैं। इस प्रकार अलग अलग मिलन आज के सुसमाचार में देखते हैं। इन उदाहरणों से एक बात हमारे सामने स्पष्ट हो गई है कि प्रभु यीशु को दंड, कष्ट और दुख झेलना पड़ा। वह उन्हें उनके पापों के कारण नहीं अपितु हमारी अज्ञानता एवं पाप के कारण मिली। यह सत्य ही है कि प्रभु यीशु स्वयं के कारण, स्वयं के लिए नहीं लेकिन हमारे कारण हमारे लिए मरे। इस कारण उनकी मृत्यु जीवन प्रदायक है और यह सच्चाई उन्हें मृत्युंजय सिद्ध करती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रभु यीशु की क्रूस यात्रा अंधकार पर ज्योति की, अज्ञानता पर ज्ञान की, अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की एवं आलस्य पर जिम्मेदारी की विजय यात्रा है। आमेन।